दिल्ली मेट्रो में सफर आम आदमी की बस की बात नहीं रह गई। जी हां, मंगलवार को दिल्ली मेट्रो का किराया और महंगा हो गया है। जैसा कि डीएमआरसी ने घोषणा की थी, उसी के मुताबिक किराया बढ़ाया गया है। किराया बढ़ने के पहले दिन लोग सरकार के इस फैसले के खासे नाराज दिखे। मेट्रो में सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना था कि सुविधाएं हैं नहीं और किराया दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह पहली मेट्रो चलते ही मुसाफिरों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि नोएडा से कीर्तिनगर जाने वाली बंदर ने बताया कि उनका किराया 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया है। वापसी में भी यही किराया चुकाने पर उन्हें अब रोज 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे सिर्फ मेट्रो में सफर से ही उन पर 2400 रुपए अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। वंदना अब कोशिश कर रही है कि वो सुबह 8 बजे से पहले को ही मेट्रो पकड़ सके, जिससे कि किराया थोड़ा कम लगे। वंदना अकेली ऐसी मुसाफिर नहीं है जो बड़े किराए से परेशान है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर आए सौरभ से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो एक छात्र हैं और हनुमान रोड स्थित एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। सोमवार तक उसे एक तरफ से सफर में 12 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन मंगलवार को 16 रुपए देने पड़े। सौरभ के मुताबिक पॉकेट मनी इतनी नहीं कि वो बढ़ा किराया झेल सके, इसलिए अब वो बस से सफर करने का विचार कर रहे हैं। SBN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।